हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट हमारी ज्ञानवी पूरे 2 महीने की हो गई है और इसलिए हमने किया उसका 2 मंथ DIY फोटोशूट घर पर ही। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से हमने घर के ही बेसिक सामान से उसका फोटोशूट किया। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। यहाँ पर सबसे पहले हमने 2 कारपेट्स लगाए हैं ज़मीन पर, बिकॉज यहाँ साउथ अफ्रीका में अभी ठंड है और हम लोग ज्ञानवी को नीचे लटाने वाले हैं फॉर द फोटोशूट। तो इस वजह से हमने पहले नीचे का सेटअप तैयार किया है। उसके ऊपर मैंने टील ब्लू कलर का ब्लैंकेट लगाया है जो कि मेरे पास था। आप चाहें तो वाइट ब्लू या ग्रीन कलर का भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं मेरे पास एक येलो बेडशीट है, तो उस बेडशीट का मैंने सन बनाया इस तरह से। नॉर्मली सिंपल तरीके से फोल्ड कर सकते हैं जैसे कि मैंने वीडियो में देखी है। अभी मैंने लिए हैं व्हाइट कलर के टॉवल्स। मैंने 2 टॉवल्स यहाँ पर लिए हैं। एक ये क्लाउड्स में बना रही हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने यहाँ पे क्लाउड्स का एक फॉर्म दिया, एक रफ फॉर्म दिया है। तो ये देखिए 2 टॉवल से मैंने क्लाउड्स बना दिए हैं। आप थोड़ा सा चेंजेस भी अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, लेफ्ट राइट में और बीच में सन लगा सकते हैं। अगर आपके पास व्हाइट टॉवल्स नहीं है तो आप कोई भी व्हाइट कपड़ा या नेट ले सकते हैं। अभी इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ रोप, और रोप नॉर्मली जैसे वॉशिंग लाइन हम लोग टांगते हैं तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और ये मेरे पास ज्ञानवी के कुछ रोम्पर्स हैं, तो मैं क्योंकि इस पे नंबर्स लगाने वाली हूँ तो मैंने नॉर्मल प्लेन वाइट रोम्पर्स लिए हैं। आप चाहे तो कोई और ड्रेसेस, बॉय है तो बॉय के कुछ शॉर्ट्स या टी शर्ट्स ले सकते हैं, गर्ल के कुछ फ्रॉक्स ले सकते हैं, स्कर्ट्स ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर वाइट रोम्पर्स लिए हैं। तो इस तरह से मैंने 3 रोम्पर्स यहाँ पे लगा दिए हैं। बीच में जो मैंने फर्स्ट के बाद जो जगह छोड़ी है यहाँ पे हम ज्ञानवी को लिटाने वाले हैं, बिकॉज वो 2 मंथ्स की हुई है तो इसलिए हम लोग सेकेंड नंबर पे ज्ञानवी को लिटाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने, मेरे पास कुछ फैंसी क्लिप्स थे, बैग्स थे, तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। बट आप नॉर्मली जो आप कपड़े सुखाने के लिए यूज़ करते हैं वुडन या प्लास्टिक के, वो भी ले सकते हैं। तो आप इस तरह से इन पर बैग्स लगा दीजिए। ये 2 पैग्स में है क्योंकि हम यहाँ पे ज्ञानवी को रखने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर उसके कपड़ों पे टक करूंगी, तो इसलिए मैंने उसके लिए रख दिया। तो ये देखिए नंबर्स हमने नॉर्मल प्रिंटआउट्स निकाले A4 शीट पे और उसको कट कर लिया। तो 1, 2, 3, 4 हमने 4 नंबर्स लिए हैं। आपका भी अगर 1 मंथ का है तो आप 1 वाली जगह पे उसे रख सकते हैं, 3 मंथ्स का है तो 3 मंथ वाली जगह पे। हमारी ज्ञानवी 2 मंथ्स की है तो हमने उसे यहाँ पर रखा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने उसे पिंक रोम्पर पहनाया, थोड़ा सा लूज है बट क्यूट लग रहा था। अभी यहाँ पर उसके पापा ने उसे टक कर दिया है। क्लिप्स जो मैंने रखे थे वो हमने उसे उसके कपड़ों पे लगा दिए हैं। और ये गाइस आप देख सकते हैं नीचे ग्रीन, ये वीडियो बाय मिस्टेक मुझसे डिलीट हो गया या पता नहीं कैसे वो शूट नहीं हो पाया, मुझे समझ नहीं आया। तो यहाँ पे मैंने, मेरे पास एक ब्लेजर है ग्रीन कलर का, वो मैंने नीचे लगाया है और उसके साथ हमने आर्टिफिशियल फ्लावर्स दोनों साइड एक एक लगा दिया, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो गाइज ये था फाइनल सेटअप, ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये पूरा फाइनल सेटअप था। और जो फोटोज आई एंड रिजल्ट आया वो कुछ इस तरह से था, है ना क्यूट। ये देखिए इस तरह से बहुत प्यारी प्यारी बहुत सारी पिक्चर्स हमने क्लिक की। और इसके बाद मेरे पास ये सन और ये क्लाउड था ऑलरेडी, लाइक हमने अमेजोन से ऑर्डर किए थे तो हमने उसके साथ भी ये सेटअप किया। तो उसके बाद ये ऐसी पिक्चर्स आई थी। अगर आपके पास ऐसा है तो आप ऐसे कर सकते हैं, बट DIY मैंने आपको बता दिया इजीली कैसे हम सिंपल घर की चीज़ों से ऐसे फोटोग्राफ्स, अपने मंथली फोटोग्राफ्स बेबी के कर सकते हैं। तो मैं आगे भी आपके साथ बहुत सारे ऐसी वीडियो शेयर करने वाली हूँ। हमने और भी कुछ शूट्स किए थे सेम 2 मंथ्स के, तो मैं अभी नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये सेटअप पसंद आया, ये आइडिया पसंद आया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।